शर्मन जोशी बॉलीवुड के उन कलाकारों की सूची में शुमार है जिन्होंने बतौर सोलो हीरो तो बड़ी फिल्में अपने नाम नहीं की, लेकिन कई सुपरहिट फिल्मों में अहम किरदार निभाए और सभी के दिलों को जीता। शर्मन ने वैसे तो फिल्मों में कई अलग अलग तरह के किरदार निभाए, लेकिन कॉमेडी में शर्मन को दर्शक ने सबसे अधिक पसंद किया। इस साल शर्मन अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं। आइए इस खास मौके पर डालते हैं एक नज़र उनके फिल्मी करियर पर। शर्मन जोशी ने अपने करियर की शुरुआत गुजराती थिएटर से की थी। शर्मन के पिता अरविंद जोशी गुजराती थिएटर और फिल्मों के जाने माने आर्टिस्ट थे। शर्मन की पहली फिल्म गॉड मदर थी। वहीं एक इंटरव्यू में शर्मन ने बताया था कि शुरुआत में उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत खराब थी। उन्होंने कहा था, लोगों ने मेरी बड़ी आलोचना की, लेकिन हमारे निर्देशक सभी इनामदार ने मुझे बड़ा हौसला दिया। प्ले के करीब 50 होने के बाद जाकर मेरे अभिनय में सुधार आया। वैसे तो शर्मन कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन उनकी हिट लिस्ट में गोलमाल, स्टाइल, थ्री इडियट्स, रंग दे बसंती और एक्सक्यूज मी जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन ये बात काफ़ी कम लोग जानते हैं कि रंग दे बसंती और थ्री इडियट्स जैसी फिल्मों में दमादार अभिनय कर चुके शर्मन को फिल्म फरारी की सवारी के लिए 40 बार ऑडिशन देने पड़े थे। फरारी की सवारी के निर्माता विधु विनोद चोपड़ा थे, जिसमें लीड रोल हासिल करने के लिए शर्मन को कई पापड़ बेलने पड़े थे। 1999 में आई फिल्म गॉड मदर से अभिनय की दुनिया में कदम रखने के 13 साल बाद 2012 में रिलीज हुई फिल्म फरारी की सवारी में लीड रोल में नजर आए थे। आखिर उन्हें इतना वक्त क्यों लगा? इस सवाल का जवाब देते हुए शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था, भाई देखिए, मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं आपको इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ कि मैं जो भी फिल्म करूँगा वो एक बढ़िया फिल्म होगी, आपके समय और आपके पैसे के लायक होगी। जब आप सिर्फ अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको वक्त लगता है, और मैं अपना वक्त देने को तैयार हूँ। अपनी बात को पूरा करते हुए शर्मन ने कहा था, अगर अपनी ज़िंदगी में मैंने कम से कम 10 अच्छी फिल्म भी कर ली तो मुझे अपने आप पर बड़ा गर्व होगा। वैसे 10 तो कम से कम है, मैं तो कई अच्छी फिल्में करना चाहता हूँ। मेरा तो मानना है कि मैं अगले 30 सालों के लिए इंडस्ट्री में रहने वाला हूँ, और यकीन मानिए मेरी कोशिश होगी कुछ बेहतरीन सिनेमा और मनोरंजक फिल्में करने की।